हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम अपने एक खास मित्र से मिलने जा रहे हैं जिनका घर हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पर उनकी घर की गली दूसरी और हमारी घर की गली दूसरी है। तो चलिए चलते हैं। तो हम उनके घर के पास पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी आगे उनका घर है, तो चलते हैं। वो अभी पर अपने छत से झांक रहे थे, तो उन्हें आवाज देते हैं और बुलाते हैं। ये इनका घर, इन्हें आवाज देते हैं। लो सारा में और अब हम जा रहे हैं अपने पेट्रोल पंप पे गाड़ी पेट्रोल भरवाने। आगे थोड़ी सी दूर पे पेट्रोल है, पंप है, तो चलते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, फिर निकलते हैं। तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, बस ये रहा पेट्रोल पंप। आगे यहाँ पे पेट्रोल भरवाएंगे और निकलेंगे। ना चल गए, बड़ा टाइम लगा दी। आप इधर का नजारा देख सकते हैं थोड़ी सी। ये हमारे यहाँ का नया मॉल, इसका नाम सिलेक्टर मॉल है, ये लगता है अभी बनने अभी। हमारे तरफ लाइन आता है, भाई आँख में गर्दा पड़ रहा था इसलिए हमने चश्मा पहन लिया। चश्मा पहन रहे हैं, अब चलते हैं। व्यू लेने लग रहा है, चलते मन कर रहा है इसको मैं तक दूँ। हम लोग अभी व्यू के चक्कर में गाँव आ जाएगा हमारा। हम लोग अभी मार्केट में पहुँच चुके हैं, व्यू के चक्कर में मनाने वाला है मेरा, लेकिन नहीं मनाएगा। हम लोग अभी NH-33 हाईवे पर कट चुके हैं। ओह माय गॉड, तो भाई को कुछ शौक लगा। ओ क्या हुआ, यहाँ पे स्कॉर्पियो है तो दिखाओ उसका। ये देखिए स्कॉर्पियो जो आपको दिख रहा होगा, ये पार हुआ। बस हम अपने अपनी सेंटर पर पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, बस सामने का काम है। सेंटर पर पहुँच गए निकले, अब हम अपने सेंटर पर पहुँचने वाले हैं, बस यहाँ से आगे से हम तो ना पहुँच निकले। नहीं आगे तो रास्ता है, उनको कुछ ज़्यादा ही मजाक छूट रहा है। बस बस
आगे देखकर हमें पता नहीं चला कि गड्ढे में रास्ते हैं, रास्ते में गड्ढे हैं। तो नाला में ही कूदा दिया भाई, इतनी रास्ता कराते हैं भाई कि कैमरा बंद करना पड़ा। मैंने तो नाले में ही गाड़ी कूदा दी। ये देखिए भाई साहब, इतने बड़े बड़े कुछ की बेचारी हमारी गाड़ी भी रो देगी। कैमरा मैन तो रो ही रहा है। हाँ, और हमारे भाई को चलाने में बहुत बहुत कष्ट है। बहुत ही कठिनाइयों के साथ हमने गाड़ी से खुद चलाया और चला के अपने मंजिल तक पहुँचा। मंजिल तक पहुँच चुके हैं। ये आगे वाला ये हमारा सेंटर है। रमित उस मत विद्यालय हम लोग पहुँच चुके हैं। चल तो हमारी तो सौरभ भाई ने अभी गाड़ी को अंदर ले लिया है। गाड़ी को अंदर लगा कर अब हम चलते हैं अपने सेंटर की तरफ, जहाँ पे क्लास है, जहाँ पे एग्जाम होने वाला हमारा। ये देखिए गाड़ी की हालत क्या हो गई है। इस गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए, इसको देखिए। तो हम लोग पेपर जमा कर आ चुके हैं, अब चलते हैं। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर पटा हुआ था। पर जैसे तैसे बन चुका है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।